अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कारण है कि समुद्रों में मछलियां जो है वो कम होती जा रही हैं। तो इसके प्रमुख दो कारण जो है वो हमें नज़र आते हैं। पहला है प्रदूषण। हम देखेंगे भारत के जितने भी तटवर्ती भाग हैं वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है और इन उद्योगों से जो विषैले रसायन हैं वो निकलते हैं और इन रसायनों को नदियों में बहा दिया जाता है और ये नदियों के साथ जाकर समुद्र के पानी में मिल जाती हैं और समुद्र के जल में जब ये मिलती हैं तो समुद्र के जल को भी ये प्रदूषित कर देती हैं। जो यहाँ पर रह रहे मछलियों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण ये मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं प्रदूषण के साथ मीठे पानी की कमी। हमें मालूम है कि समुद्रों का जो जल है वो खारा होता है लेकिन उसमें जो नदियाँ आकर मिलती हैं उनका जल मीठा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार में अब बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया गया है और जब खारे जल में ये नदियाँ आकर मिलती हैं तो उनसे मीठा जल समुद्र के जल में मिल जाता है और नदियों के साथ बहकर आने वाली जो वनस्पतियां हैं और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो प्लैंकटन के रूप में वहां रहने वाली मछलियों का प्रमुख भोजन होती हैं। और जब ये नदियों को बांध बनाकर मार्ग में ही रोक दिया जाता है तो उसके माध्यम से समुद्र में आकर मिलने वाली जो नदियों का जल है उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है तो उनको मिलने वाला भोजन भी कम हो गया है। ज़रा विचार कीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब मीठा जल, नदियों का मीठा जल जो है वो समुद्रों में कम मिल पा रहा है तो इसका मछलियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये प्रमुख दो कारण हैं जिनके कारण अब समुद्रों में मिलने वाली मछलियों का जीवन जो है वो संकट में आ गया है और इसके लिए हमें खुद ही जो है वो विचार करना है और इसके लिए उपाय भी सोचे जाने चाहिए। अब हम भारत के अगले प्राकृतिक स्वरूप कुछ द्वीप समूह भी हमारे भारत में मिलते हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा पर्वतीय प्रदेश, पठारों की हमने बात की, तटीय मैदान की चर्चा की। अब इसके बाद देखते हैं इसके अतिरिक्त हमारे भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह मिलते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। जरा आप भारत का मानचित्र निकालिए और उस पर देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की स्थिति आपको कहाँ पर नज़र आ रही है और उसे पॉइंट आउट कीजिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है हम भारत के दक्षिणी छोर पर आते हैं जहाँ पर ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम पूर्व की तरफ देखते हैं बंगाल की खाड़ी की स्थिति है और पश्चिम में अरब सागर। तो पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी की स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये उत्तर से दक्षिण तक जो है इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। इस अंडमान द्वीप समूह में हमको दो स्थितियाँ मिलती हैं। उत्तरी जो इसका द्वीप समूह है वो अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी वाला जो द्वीपों का समूह है वो निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब हम अंडमान द्वीप समूह में देखें तो इस द्वीप समूह का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी अंडमान, बीच वाला मध्य वाला जो हिस्सा है वो मध्य अंडमान और दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है और जो छोटे अंडमान द्वीप जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं जो दक्षिण में स्थित है। तो निकोबार द्वीप में हम देखेंगे इस समूह का जो उत्तरी भाग है उसे कार निकोबार और जो दक्षिणी वाला हिस्सा है इसका इसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है और ये दो द्वीप समूह के अलावा भी यहाँ पर और कई छोटे छोटे द्वीप समूह आपको इस मानचित्र पर नज़र आ रहे होंगे। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ तो इस संदर्भ में मानना है कि ये जो द्वीप समूह हैं वो डूबे हुए पर्वत का ही हिस्सा है। और कौन से पर्वत का? जो हिमालय पर्वत
ती प्रदेश की हमने बात की थी, इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेता हुआ दक्षिणतम छोर की तरफ बढ़ा हुआ था हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी, और इसी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही की जो डूबा हुआ इसका जो हिस्सा है और ऊपर की तरफ समुद्र में ऊपरी चोटियों के रूप में उभरे हुए हिस्से के रूप में इसे माना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इस द्वीप समूह का जो तट है वो बहुत ही कटाफटा है, धरातल भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, समतल धरातल नहीं है इस द्वीप समूह का। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कहीं पर इसमें छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, कहीं पर पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो कहीं पर पठार की स्थिति देखने को मिलती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भूमिगत गुफाएं भी हमें मिलती हैं। अब प्रमुख रूप से हम बात करें तो जो हैवलॉक द्वीप है वो कोरल के लिए, और बाराटांग द्वीप जो है वो यहाँ पर भूमिगत गुफा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं, जो इसके पहले भी हमने चर्चा की थी, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट, ये भी हमें जो है वो इस द्वीप समूह में इस प्रकार की स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और कंदरा स्तंभ, ये तीनों ही स्थलाकृतियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए या तो जलयान का प्रयोग करना पड़ेगा और या फिर स्टीमर के उपयोग से यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सेलुलर जेल की भी स्थिति है। यहाँ पर अनेक जनजातियाँ भी निवास करती हैं जो आज भी घने जंगलों के बीच में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इसमें प्रमुख जनजातियों की यदि हम बात करें तो जरावा है, ओंग है, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी और इसके साथ शोम्पेन जो है वो यहाँ की प्रमुख जनजाति है। इन जनजातियों में पर्यावरण के साथ समायोजन करने की जो है वो एक अद्भुत क्षमता जो है हम देखते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा हम देख रहे हैं इनकी जो सभ्यता और संस्कृति है उनको भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है उसकी तरफ से। इसके साथ ही हम यदि समस्या की बात करें तो यहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है, बारिश तो अच्छी खासी मात्रा में होती है लेकिन बारिश का जितना भी पानी होता है वो अधिकांश वर्षा का जो जल है वो बहकर समुद्र में चला जाता है। यहाँ के आदिवासी जो हैं वो जल का संग्रहण बहुत एक परंपरागत तरीके से करते हैं। इनमें से इनका एक तरीका जो है वो बांस को चीर कर उसमें वर्षा का जल संग्रहण करना, ये इनका एक परंपरागत तरीका है। क्योंकि यहाँ पर हम इस क्षेत्र में देखेंगे, इस द्वीप समूह में यहाँ पर लकड़ी की मात्रा जो है वो बहुतायत में हमको देखने को मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियाँ हैं। इसके कारण जो आपका अंडमान द्वीप समूह है इसके चैथम द्वीप में, अंडमान द्वीप समूह के चैथम द्वीप में विशाल आरा मिल भी है जहाँ पर लकड़ी को चीरने का प्रमुख व्यवसाय किया जाता है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हम देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है उसकी स्थिति भी इसी द्वीप समूह में हमें मिलती है। और अंडमान के जो रंगट शहर है वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यदि हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक पंख ज्वालामुखी देखने को मिलता है जिससे लगातार महीन मिट्टी का घोल जो है वो निकल रहा है, इसलिए इसे पंख ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत के दूसरे द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह के विषय पर। बच्चों, ये वही द्वीप समूह है जहाँ भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत की जो सेना है उन्होंने सबसे पहले अपना झंडा यहाँ पर गाड़ा था, और जब पाकिस्तान की सेना आई तो वो हमारे भारत का झंडा देखकर वापस चली गई। बच्चों, ये वही लक्षद्वीप समूह है। इस द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो इस मानचित्र में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि भारत के पश्चिम में जो अरब सागर की स्थिति है तो इस अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में हमें लक्षद्वीप समूह जो है वो नज़र आ रहा है।
ये केरल का जो मालाबार तट है उसके पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लक्षद्वीप का विस्तार है। हाँ, हम सन 1973 के पहले की बात करें तो उस समय इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसे लक्षद्वीप समूह जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर इस द्वीप समूह में लगभग 36 द्वीप हैं, छोटे बड़े 36 द्वीप यहाँ पर हमें मिलते हैं, जिसमें जो लक्षद्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह को भी पर्वत का ही अंश माना जाता है, जो अरावली पर्वत है उसी का अंश जो है वो इस लक्षद्वीप समूह को माना जाता है, जिस पर लंबे समय से जो प्रवाल है। हमें मालूम है ये लक्षद्वीप समूह का निर्माण ही पूरे प्रवाल के अस्थि पंजरों के द्वारा हुआ है, ये प्रवाल निर्मित है। तो जो पर्वत का अवशेष या अंश यहाँ पर मिल रहा था, वहाँ पर बहुत लंबे समय से प्रवाल के जो अस्थि पंजर हैं उसका जमा हुआ, उसके निक्षेप का जमा हुआ, और इसके साथ ही साथ जो रेत, बजरी और गोलाश्म और शैवाल, इन सभी के अवशेष के जमाव के बाद हजारों लाखों साल के बाद फिर इस द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, या हम ये देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में ये इस अवस्था में ये द्वीप समूह हमें मिलता है। इस द्वीप समूह की राजधानी जो है वो कवरत्ती है। तो ये हमारे दो द्वीप समूह हो गए, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और आर्थिक महत्व भी इनका बहुत अधिक है हमारे देश के लिए। ये दोनों ही द्वीप समूह जो हैं इनकी जलवायु उष्ण और आर्द्र है, और जहाँ पर भी उष्ण और आर्द्र जलवायु मिलती है तो हमें पता है कि वहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ जो अपने पत्ते जो हैं वो वर्ष में एक भी बार नहीं गिराती। यहाँ पर एक घना वनस्पति आच्छादन देखने को मिलता है, घने घने वन मिलते हैं। और प्रमुख वृक्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महोगनी है, एबोनी, रोजवुड, इसके साथ ही साथ ताड़ और बांस, ये प्रमुख वनस्पतियाँ हमें यहाँ पर मिलती हैं। और चूंकि ये द्वीप समूह है, एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर केला और नारियल ये भी बहुतायत में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ अनाज और गरम मसालों का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ये द्वीप समूह के जो निवासी हैं वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए, चूंकि पूरा जलीय हिस्सा है, इसलिए या तो नाव का ये इस्तेमाल करते हैं, स्टीमर या जलयान, इस टाइप के परिवहन के साधनों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए। और यहाँ पर इस द्वीप की जो आबादी है, जो रहने वाली यहाँ जनसंख्या है, उसकी सघनता बहुत कम मिलती है। जो वहाँ पर प्रशासनिक रूप से जो केंद्र हैं या जहाँ पर कार्यालय स्थित हैं, वहीं पर हमें जनसंख्या की बसाहट सघन मिलती है, और बाकी क्षेत्र में कुछ द्वीप तो एकदम निर्जन प्राय हैं, और कुछ द्वीप में जो है वो जनसंख्या की सघनता या बहुत कम जनसंख्या, न्यून जनसंख्या जो है वो वहाँ पर निवास करती है। इन दोनों द्वीप समूहों के अलावा भी हमारे भारत में कुछ छोटे बड़े और द्वीप समूह हैं। जैसे यदि हम बंगाल की खाड़ी में चले जाएं तो यहाँ पर हम गंगा सागर देखते हैं, न्यू मूर द्वीप है, इसके बाद श्री हरिकोटा और रामेश्वरम। रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान है, इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो ये कुछ छोटे बड़े जो द्वीप समूह हैं ये बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। और इसके साथ यदि हम अरब सागर में चले जाएं तो अरब सागर के तट पर हेनरे और कैमरे द्वीप और सेलसेट द्वीप और एलिफेंटा, ये जो द्वीप समूह हैं इनकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और ये तीनों ही जो द्वीप समूह हैं ये मुंबई महानगर में फैले हुए हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्वरूप हैं, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान पर चर्चा की, प्रायद्वीपीय पठार की बात की हमने, और समुद्र तटीय मैदान जो विस्तृत हैं इसके साथ ही द्वीप समूह पर भी हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त हमारा एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्वरूप है भारत का, जो है मरुस्थलीय क्षेत्र। और भारत का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है,
और इसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में भी यदि हम चले जाएं तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी छोर है उसके समानांतर इस थार के मरुस्थल का जो है विस्तार हमको देखने को मिलता है। बच्चों, यदि हम पूरे विश्व के सभी मरुस्थल पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी में सघन बसाहट जो है वो हमें हमारे भारत के थार के मरुस्थल में ही देखने को मिलती है। और ये जो मरुस्थली क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो अरावली के समानांतर पश्चिम में फैली हुई है, तो बच्चों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी थार के मरुस्थल से होकर गुजरती है। हालांकि राजस्थान के अलावा ये रेखा जो है पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर से भी होकर निकलती है, लेकिन जब हम मरुस्थल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम अपने राजस्थान के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो ये हमें हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये इसी मरुस्थली क्षेत्र के समानांतर निकलती है। अब हम देखेंगे कि इस पूरी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो है वो तो 3,310 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ये 1,070 किलोमीटर फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा सीमा आयोग, रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा ये रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का विभाजन किया गया कि भाई ये इतना जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है और इधर भारत है। ये तो हम सभी को पता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में हम बात करें तो उत्तर में गंगानगर जिले के हिंदुमल कोर से होती हुई बीकानेर आती है, बीकानेर से जैसलमेर, बाड़मेर, और बाड़मेर में इसका अंतिम छोर जो है वो भागल बाखसर गांव में ख़त्म होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक जो है वो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार हमको देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये इसलिए और महत्वपूर्ण है कि यहीं पर हमारे भारत का जो है राजस्थान के मरुस्थल में ही जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर भारत का परमाणु परीक्षण किया गया। सबसे पहला यदि हम बात करें तो भारतीय परमाणु आयोग ने यहाँ पर अपना सबसे पहला भूमिगत परीक्षण किया 18 मई 1974 को, और उसके बाद तब तो ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि ये जो परीक्षण है शांतिपूर्वक कार्यों के लिए किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इस पहले परीक्षण के बाद सन 1998 में 5 और भूमिगत परीक्षण जो है वो इसी पोखरण पर किए गए, और उसके बाद हमारे भारत ने अपने आप को एक शक्ति संपन्न राज्यों की सूची में शामिल कर लिया। तो ये तो हो गई कुछ भारत की आर्थिक और सामरिक महत्व की बात जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। अब इसमें हम जब भौगोलिक स्थलाकृति की बात करें तो ये भी देखेंगे कि आप यहाँ पर रेतीले क्षेत्र में वायु के अपरदन कार्य के द्वारा जो बरखान या बालुका स्तूप की हम बात करते हैं तो ये आपको बहुतायत में देखने को मिलती है। जब हम इसके एकदम पश्चिमी छोर पर चले जाएं जहाँ पर पूरी जगह हमको रेत ही रेत नज़र आती है तो वहाँ हम देखेंगे कि वायु के अपरदन से निर्मित जो स्थलाकृति है बरखान और बालुका स्तूप ये आपको बहुतायत में देखने को मिलेगी। तो ये हो गई कुछ राजस्थान की भौगोलिक स्थलाकृति से संबंधित विशेषता की बात। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने कहा था कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या की बसाहट है या सघन बसाहट जो है वो हमारे भारत के राजस्थान के थार मरुस्थल में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या विशेषताएं हैं? यहाँ कुछ पारंपरिक उद्योग हैं
जो यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण जनसंख्या की बसाहट हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं यहाँ के कुछ जो पारंपरिक उद्योग हैं, उसमें बंधेज का कार्य, आप राजस्थान में जब जाते होंगे तो आप वहाँ पर जो कपड़ों में वहाँ चाहे वो साड़ी हो या कुर्तियाँ हो, उसमें बंधेज वाले कार्य जो हैं वो आप देखते ही होंगे। ये एक आम बात होती है और ये हमें बहुत आकर्षक भी लगते हैं। तो यहाँ के जो उद्योग हैं पारंपरिक उद्योग, उसमें बंधेज है। यहाँ लाख की चूड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। इसके साथ ही साथ कपड़े की बुनाई, रंगाई, आभूषणों में मीनाकारी, इसके साथ ही साथ पत्थरों की जो नक्काशी है, ये सभी जो उद्योग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और प्रचलित हैं और लोगों के द्वारा बहुत अधिक पसंद भी किए जाते हैं, जिसके कारण ये उद्योग जो हैं वो बहुत विकसित भी होते जा रहे हैं। हम प्राचीन समय में भी देखें तो मारवाड़ और गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ के कच्छ और काठियावाड़ से जो लोग हैं वो बरसों से व्यापार करते आ रहे हैं अरब देशों के साथ। तो ये तो कुछ परंपरागत उद्योग हो गए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अपनी आजीविका का निर्वाह करने के लिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो इन पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ कृषि और पशुपालन का भी काम जो है वो करते हैं। और राजस्थान का जो थार है वो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। पूरे भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र भारत का थार मरुस्थल है और यहाँ पर ऊन की कालीन, दरिया, ये सभी भी जो है वो प्रमुखता से बनाई जाती हैं। यदि हम ये तो उत्तम किस्म के होते ही हैं और राजस्थान का ये जो बीकानेर जिला है ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर हम देखें तो हमें थार का मरुस्थली क्षेत्र है, पूरी जगह पूरा जो क्षेत्र है वो रेतीला है और एक शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर बारिश जो है वो नहीं के बराबर होती है, और अगर बारिश होती भी है, जो थोड़ी बहुत मात्रा में बारिश होती है, तो वो इतनी कम होती है कि भूमि के द्वारा या तो सोख ली जाती है और रास्ते में ही वो वाष्प बनकर ऊपर की तरफ वायुमंडल में चली जाती है। तो इतनी कम बारिश होने के कारण ये बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है। और हम कहें कि यदि हम अरावली के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तो जो 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है वो इसे विभाजित करती है, इसके पूर्व और पश्चिमी छोर को। पश्चिमी छोर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश का क्षेत्र होता है। और यदि हम इस पूरे राजस्थान के जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर लगभग 150 मिलीमीटर ही वर्षा होती है। तो बहुत कम बारिश होने के कारण, बहुत शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ तो जो हैं वो नहीं के बराबर मिलेंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उसके कारण यहाँ पर कृषि वानिकी की जो संभावनाएँ हैं वो अब कुछ इसके सफल प्रयास किए जा रहे हैं इसे बढ़ावा देने के लिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्षेत्र में खेजड़ी नामक जो वृक्ष है वो यहाँ का एक प्रमुख वृक्ष है जो मनुष्य के लिए भी और उसके साथ साथ पशुओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और वो किस लिए उपयोगी है, तो इसके जो पत्ते हैं वो यहाँ के जो पशु होते हैं उन्हें उनके लिए बहुत ही एक पौष्टिक आहार का काम करता है, साथ ही साथ उन्हें चारा प्रदान करता है। और इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो भवन निर्माण के लिए, कृषि के लिए और साथ ही साथ ऊंट गाड़ी के लिए भी ये लकड़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि खेजड़ी की जो जड़ है वो बहुत अच्छा भूमि में, जमीन में, धरातल में नाइट्रोजन का यौगीकरण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसलिए खेजड़ी को जो है ये मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर धरातली मिट्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। खेजड़ी के अलावा यहाँ पर रोहिड़ा नामक जो वृक्ष होता है वो भी बहुत उपयोगी होता है, जो यहाँ पर चारे के लिए तो प्रयोग किया ही जाता है और साथ ही साथ मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखने का काम करता है। तो ये दोनों ही वृक्ष जो हैं वो यहाँ के लिए बहुत उपयोगी हैं और अधिक मात्रा में भी हमें यहाँ इस क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं।
अब हम ये देखते हैं ये वृक्षों का कृषि वानिकी के लिए के संदर्भ में हम मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए रोहिणी जो वृक्ष की हम बात कर रहे हैं जो मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध कर रखता है, तो इस संदर्भ में इसका विकास यहाँ पर बहुत अधिक किया जा रहा है क्योंकि इसके माध्यम से मरुस्थल का जो विकास है उसको रोका जा सकता है। और इसके साथ ही रोहिणी वृक्ष जो है इसकी लकड़ियाँ फर्नीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपयोग की जाती हैं और इसके जो तने होते हैं इन तनों की छाल में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होता है, इसलिए एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी ये वृक्ष जो है वो प्रयोग की जाती है। अब वनस्पतियों के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे थार में जो है वो विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा भी हमें देखने को मिलती है। बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ भी यहाँ पर हमको पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें बीकानेर और बाड़मेर जिले में इल्मेनाइट, जैसलमेर और जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सम, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर और बीकानेर में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। बच्चों, और क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में वास्तुशिल्प का जो अनूठा उदाहरण है और हम कहें कि हमारे विश्व में सातवां बड़ा जो आश्चर्य हमारा ताजमहल, ये किस चीज़ से बना है और इसमें जो प्रयोग की जाने वाली संगमरमर है वो किस स्थान से लाई गई है, ये इसी राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से प्राप्त की गई जो सफ़ेद संगमरमर है इससे इस ताजमहल का निर्माण किया गया है। अब इसके साथ ही हम देखें कि जोधपुर में जो बलुआ पत्थर है और जालौर का जो ग्रेनाइट है ये भी नागौर के मकराना के संगमरमर के साथ साथ ये दोनों भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके साथ हम देखें जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो खनिज तेल है उसमें पिछले 25 सालों की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी खोज है। तेल, गैस और इसके साथ ही पवन चक्की और सौर ऊर्जा, ये सभी जो हैं ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इसकी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं और इस अभूतपूर्व संभावनाओं के कारण ही भविष्य में जो राजस्थान का आर्थिक और सामरिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा विकास को गति प्राप्त कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ों की हमने बात की और ये जो थार का मरुस्थल है ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ आपने अभी समझी। बच्चों, यहाँ जो शुष्क मौसम होता है या जो पानी की कमी है इसको पूरा करने के लिए जब से यहाँ पर राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण किया गया है तब से इसके विकास की जो गति है वो और ज़्यादा तेज हो गई है और जो इसका पूरा मरुस्थली क्षेत्र है यहाँ पर पानी की कमी को दूर किया जा सका है। राजस्थान नहर जो है इसे इंदिरा गांधी नहर के भी नाम से जानते हैं, ये नहर जो है वो भारत की वृहद परियोजनाओं में से एक है। ये नहर सुल्तानपुर के हरि के बैराज में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया गया है। इस नहर से पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति की जाती है। इस नहर में 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से इसकी जो 9 शाखाएं हैं वो निकाली गई हैं। अब हम कहें कि राजस्थान के किन किन जिलों को इससे फ़ायदा हो रहा है या लाभ मिल रहा है, तो हम कहें कि राजस्थान के कुल 10 जिले जो हैं वो इस नहर से प्रभावित हैं या लाभान्वित हैं, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू, ये सभी जिले जो हैं वो इस नहर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पर पानी की किल्लत को दूर किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस नहर के बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा गंगानगर में बहुत ज़्यादा खेती या कृषि की जाने लगी है। अब इतिहास की यदि हम बात करें कि ये नहर कब बना और किसने बनाया, तो हम देखेंगे कि सन 1899 से लेकर 1900 के बीच
इस पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। और जब सूखा पड़ा तो यहाँ बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, इन्होंने इस सूखे से जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर सतलज नदी के जल से सिंचाई के माध्यम से एक परियोजना बनाई। उन्होंने कहा कि इस पूरे इलाके को सूखे से बचाने के लिए हम सतलज नदी में सिंचाई के लिए एक परियोजना शुरू करें। और इस परियोजना को गंगा सिंह ने शुरू किया था 1907 में गंगानगर जिले में, इसलिए तब इसका नाम गंग नहर पड़ा था, तब उसे गंग नहर के माध्यम से जाना जाता था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद फिर से एक बार इस जो नहर में खुदाई का काम शुरू किया गया और सन 1985 में इस नहर का जो नाम है वो इंदिरा गांधी नहर पड़ा। इस नहर के माध्यम से पूरे इस सूखा प्रभावित इलाके में हम देखेंगे कि एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिला। और जहां पर पहले शुष्क क्षेत्र या चारों तरफ यदि नज़र दौड़ाई जाए तो रेत ही रेत नज़र आती थी, वो इस नहर परियोजना के बनने के बाद हम देखेंगे कि पूरा क्षेत्र जो है वो हरियाली से भर गया। अब यहाँ पर ये स्थिति है कि लोग एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी ले लेते हैं और कई स्थानों पर तो चावल और गन्ना जैसी भी फसलें जो है वो उगाई जाने लगी हैं। तो ये आप जो इस गंगा नहर परियोजना के या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन इस नहर के बनने से ठीक है, यहाँ के लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति हुई, रोजगार मिला, सूखे से जो प्रभावित पूरे क्षेत्र थे उन्हें एक नया जीवन मिला। और हम इस नहर को मरु गंगा के नाम से भी जानते हैं इसीलिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस नहर परियोजना के बनने के बाद यहाँ पर कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख समस्या ये है कि इस नहर के बनने के बाद यहाँ पर पानी की अधिकता हो गई धरातल में, जिसके कारण भूमि के अंदर जमीन के अंदर का जो लवण था वो ऊपरी क्षेत्र में आ गया। तो भूमि की जो लवण की समस्या है, मृदा की लवणता की समस्या, सेम की समस्या और साथ ही साथ कुछ बीमारियों की भी पनपने की जो समस्या है वो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है। तो लाभ तो हुए हैं लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ समस्याओं का भी इस नहर परियोजना के बनने के बाद सामना करना पड़ रहा है। तो ये हो गई राजस्थान नहर परियोजना की बात। अब हम ये देखते हैं कि इस मरुस्थल में जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और इस सूखे क्षेत्र में पानी का कितना महत्व है या पानी जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कृषि के लिए हो या फिर हम कहें कि वनस्पतियों के उगने के लिए, पीने के लिए। तो इस बात को जानने के लिए या इस मरुस्थल में लोग कैसे अपना जीवन चलाते हैं, इसके लिए हम आइए चलते हैं एक छोटे से गांव में।